लेकिन आपने जो कुछ लिखा है इसमें, बिल्कुल अध्यक्ष जी मेरी बात सुनिए, हाँ। ये बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि मुझसे लोग मिले, मैं उनकी सूची मांगूंगा आपसे। बिल्कुल, मैं सब दे रही हूँ, अभी दे दूंगी, अभी दे दे, बोलने से पहले, बोलने से पहले सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपने भाषण के बाद दे रही हूँ सर उन लोगों की सूची। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद अध्यक्ष जी, सदन पटल पर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे सबूत मांगे। मैं जो कह रहा हूँ, बिल्कुल अध्यक्ष जी, इन लोगों को गवाहियाँ नहीं मिली, बिल्कुल अध्यक्ष जी, उनका सबूत जो, बिल्कुल बिल भी लाई हूँ अध्यक्ष जी, प्राइवेट जो बाहर से दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं उनके बिल भी है सदन पटल पर। दीजिए, मैं अपनी बात के बाद रख दूँ? नहीं, सदन पटल पर दीजिए पहले। ये है सारे उनके बिल, 25,000 के, ये 19,000 के दूसरे सारे, ये लीजिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात रख सकती हूँ? इसमें बिल प्राइवेट शॉप, हाँ, सर जो दिल्ली जो सरकार ने, मेरी बात सुन, हाँ जी अध्यक्ष जी, जो डॉक्टर ने दवाइयाँ प्रेस्क्राइब की है जिस हॉस्पिटल में, हाँ जी, और उनको वो दवाइयाँ हॉस्पिटल ने नहीं दी, हाँ जी, वो बिल, वो पर्चा मुझे बिल्कुल अध्यक्ष जी, पर्चा आपके पास है, मैंने 55 महीने इस सदन में गुजारे और पूरी जिम्मेदारी से सबूतों के तथ्यों के साथ आज भी सारे तथ्य अपनी बात रोकने से पहले आपके सामने रख दिए, और सदन का और आपका धन्यवाद करती हूँ कि लोकतंत्र के तहत मेरी जनता की आवाज यहाँ पर उठाने का, सच्चाई सरकार के सामने लाने का मुझे अवसर दिया जा रहा है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अध्यक्ष जी, दो मामले आपके सामने जिसका जिक्र मैंने किया है, सुभाष मोहल्ला में एक पिता रहते हैं, गरीब है, 11 महीने की बच्ची का इलाज प्रांत में करवाया, सारी दवाएं सरकार का दावा है, मुफ्त दवाएं, मुफ्त इलाज, मुफ्त जांच, उसके बाद पंत की पर्ची आपके पास है, उस गरीब पिता को बाहर से दवाइयां लाने को मजबूर किया गया, 19,000 के बिल आपके पटल पर हैं, और दूसरा बच्चा अभी पंत में इलाज करवा रहा है इस समय, उसके भी सारे बिल आपके पास है। उनका जी, सभी माननीय सदस्यों ने, हाँ, जो लिखा है वो पढ़ा है, वही पढ़ रहे हो आप, उसमें से एक शब्द नहीं बोल रहे सर, क्या मैंने आपको क्या लिखा है सर, एक मिनट, मुझे मिल जाएगी इसकी कॉपी, जो आपने, हाँ, आपके पास कॉपी होनी चाहिए। नहीं नहीं, 280 में मेरा नंबर नहीं लगा, वो 3 सदस्य नहीं आए तो आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद, ये रहा मेरा, मैं इसी को पढ़ देती हूँ, दिल्ली सरकार के दावों के मुताबिक, मैं इसको पढ़ रही हूँ, दिल्ली सरकार के दावों के मुताबिक दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं एवं मुफ्त इलाज व मुफ्त जांच होती है, परंतु मैं इन सभी दावों के विरुद्ध अपनी जनता की पीड़ा सदन के सामने रखना चाहती हूं, जो मैं रख चुकी हूं आपके सामने, कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले 2 मरीजों के बिल आपके पास है, 11 महीने की बच्ची पंत में इलाज कराया, और एक बेटे का नाम आपके पास है, दोनों माता पिता मजनू टीला में रहते, पता आपके पास है, बुलाइए, और यही निवेदन है, सरकार जो दावा करती है इन दोनों को, जो बाहर से दवाइयां लगातार, ऑपरेशन का सामान बाहर से मंगाया जा रहा है, सिरिंज बाहर से मंगाई जा रही है, और वो दोनों माँ बाप मजदूर है, मजनू टीला में रहते हैं, दोनों ने मजदूरी छोड़ के पूरा माँ पिता बेटे के सर पे खड़े हुए हैं, और उन्हें लगातार वो कर्जे में है, वो कर्जे में है, यहां तक बात करके गया कि अगर कर्जा नहीं चुका तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये उस पिता तक ने कहा, इतनी पीड़ा और इतना दर्द है, स्वास्थ्य मंत्री से समय, फिर आप बाहर जा रही हैं, मैं तो आपके सामने, मैंने आपको समय दिया, आपने जो लिखा उसको पढ़िए, ठीक है, दोबारा दोहरे, दिल्ली सरकार के दावों के मुताबिक दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं, मुफ्त इलाज व जांच होती है, परंतु इन सभी दावों के विरुद्ध अपनी जनता की पीड़ा सदन के सामने सबूत आपको दे दिए, रख रही हूं, मेरी विधानसभा में रहने वाले मरीजों ने बताया, दो आपके सामने है, कि दिल्ली के सरकार के अस्पतालों में ना तो मुफ्त इलाज हो रहा है, ना मुफ्त दवाएं मिल रही है, ना मुफ्त जांच हो रहा है, बाहर से ही दवाइयां मंगवानी पड़ रही है, जिसकी उन्हें मजबूरी में मोटी कीमत चुकानी पड़ रही है, कई लोग तो इतने गरीब हैं कि उन्हें भारी ब्याज पर कर्ज लेकर इलाज करवाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, विज्ञापनों से, दावों से सच्चाई बहुत दूर है, कृपया इसकी जांच करवाई जाए और उचित कार्रवाई की जाए, ताकि गरीबों को बाहर से निजी दुकानों से दवाएं ना मंगानी पड़े, बिल सबूत के तौर पर सदन के सामने रख रही हूं, और उम्मीद करती हूं सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और क्या कार्रवाई हुई ये सदन के सामने रखी जाएगी, और कार्रवाई से ज्यादा मेरे लिए जरूरी है ये दोनों गरीब माता पिता के जो कर्ज लेकर दवाएं इलाज बाहर से कराना पड़ा दिल्ली सरकार की जीबी पंत अस्पताल से, उसके ऊपर स्वास्थ्य मंत्री को, अगर आप इसकी गंभीरता संवेदनशीलता समझ रहे हो तो स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय सत्येंद्र जैन जी हमारे बीच में एक बार सर यकीन दिलवा दीजिए, एक बार सर स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, एक लाइन बोल दें कि जो बिल हुआ है वो सरकार माफ कराएगी, अध्यक्ष जी मंत्री बैठे हैं, 280 में पहले भी जवाब दिया है, ऐसा नहीं है, संवेदनशीलता स्वास्थ्य मंत्री अध्यक्ष जी निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर बस ये कह दें
कि सरकार के दावों के मुताबिक आप बैठिए प्लीज। सोमनाथ भारती जी, अलका जी मैंने आपसे पेपर ले लिए हैं, मैं इसके आपने कहा जांच करेंगे। चलिए महोदय, ये जो इन्होंने बिल दिए हैं और जो प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं, कृपया मुझे एक फॉरवर्ड की जाए, इसकी जांच कराई जाएगी और उसके ऊपर कार्रवाई। मैं आपको इसको लिखित रूप में फॉरवर्ड करूंगा। और जो भी अधिकारी है जिसने, अगर किसी वजह, मुझे ऐसा लगता है ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक चीज़ एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि अस्पतालों में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि दवाइयाँ लेने में कई बार 6-6 घंटे भी लग रहे हैं, और हमारे पंत हॉस्पिटल के अंदर दिल्ली के पेशेंट 15% हैं, 85% दिल्ली से बाहर के हैं। तो दिल्ली से बाहर के पेशेंट होने में अलका जी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, बैठिए प्लीज। हाँ, वो जांच का विषय माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं सुन लीजिए। नहीं, आप बैठिए प्लीज, आप बैठ जाइए, ये प्रश्न उत्तर नहीं है, 280 है। आप बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए प्लीज, बैठिए। अब सुन लीजिए, पहले बात तो सुन लीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, और जिस भी अधिकारी ने अगर दवाई देने से मना किया, दवाई बिल्कुल 100% मिलनी चाहिए। या तो पर्चे देखना पड़ेगा कि दवाई लिखी गई वही है या नहीं है, कोई दूसरी दवाई खरीदी गई है। अगर वही दवाई जो लिखी है हमारे अस्पताल से लिखी है वो मिलनी चाहिए। मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ कि खास तौर से पंत हॉस्पिटल में बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है कि वहाँ पे 80-85% पेशेंट दिल्ली से बाहर के हैं, और इस वजह से लाइनें बहुत लंबी लगती है। कुछ लोग इतने घंटों लाइनों में ना लगने की वजह से कई बार बाहर से दवाई लेता पसंद करते हैं। भाई मैं अलका जी, ये कोई सोमनाथ नहीं, अन्य सदस्य भी खड़े हैं ना, उनका भी समय है, आप बैठ जाइए। अब अलका जी आप बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए आप। नहीं, क्या आपको मंत्री जी ने उत्तर दे दिया, और क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं, सदन को हाईटेक करना चाहती हैं? नहीं, बैठ गया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। उन्होंने जांच के आदेश के बोल दिया है, तो आज नहीं आ रहा, 4.5 साल तक आ रहा था। नहीं, आज रिजल्ट नहीं आ रहा, 4.5 साल तक आ रहा था। बैठ जाइए, आप बैठिए, अलका जी बैठिए, सोमनाथ भारती जी आप शुरू करिए बोलना। अलका जी, मैं अलका जी आप बहुत अनुचित कर रही हैं, मैंने कल भी चेतावनी दी थी, आज फिर चेतावनी दे रहा हूँ, आप ये बहुत अनुचित कर रही हैं, ये सदन के साथ आप बहुत जास्ती कर रही हैं। सोमनाथ जी, सोमनाथ जी, नहीं सारिका जी, मैं सब समझ रहा हूँ, अलका जी आप बैठेंगे नहीं, आप बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, आप बैठेंगे नहीं बैठेंगे, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, आप बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। आपको आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने आपको 12 नंबर सुन लिया, 12 नंबर सुन लिया आपका। अब आप सदन को हाईजैक करने की सोच रहे हैं, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सोमनाथ जी बैठिए, सारी का जा रही है, मुझे बस 2 मिनट का मौका दिया जाए। मैं बिल्कुल यहाँ पे जीबी बंद, यहाँ पे दिल्ली सरकार के जीबी बंद अस्पताल की बात हो रही है। सारिका जी, बस सरिता जी, एक सेकंड, अलका जी अभी सदन का, अगर आपका अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगी, पूरे देश में अगर कोई ऐसी सरकार है जो जनता को मुफ्त इलाज। बैठ जाइए, बैठ जाइए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपका 280 मैंने पढ़ने का मौका दे दिया, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया, उसके बाद आप बोल रही हैं। सरिता जी, सरिता जी बोलिए, अलका जी आपने अपनी बात कह दी, अलका जी आपने अपनी बात कह दी, सरिता जी बोलिए। मैं जीटीबी अस्पताल की चेयरपर्सन हूँ, हमारी सरकार ने एक पहल किया था, जो मंत्री जी ने जिस बात को आज रखा कि अगर दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में अगर आज 100 पेशेंट आते हैं, 100 पेशेंट में से 85 पेशेंट वो होते हैं जो दिल्ली के बाहर के लोग हैं, दिल्ली के बाहर के नागरिक हैं। यहाँ दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी, दिल्ली की अपनी जनता है। हमारी सरकार ने पहल करके जीटीबी अस्पताल में ये कानून बनाया था, ये कानून बनाया था।
कुछ लोगों का जिनका दुकान बंद हुआ वो कोर्ट में गए और वो स्टे लेके आ गए, वो स्टे लेके आ गए। आप बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। आप दूसरे सदस्य का और मुझे ये लगता है कि अगर हम सब यहाँ पे विधानसभा के सदस्य हैं, अगर ये केस, अगर ऐसा केस हम में से किसी भी अलका जी को टीम रेस्ट के लिए बाहर करता हूँ, अलका जी को टीम रेस्ट के लिए बाहर जाइए, अलका जी टीम रेस्ट के लिए बाहर करिए, अलका जी को मार्शल बाहर करिए टीम रेस्ट के लिए, नहीं टीम रेस्ट के लिए बाहर करिए। आपने तो तमाशा बना दिया, अगर यहाँ पे तो सुनने को जा रहा है, यहाँ पे केवल राजनीति के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है, मुझे उस मीटिंग का ब्यौरा दिया जाए। जब ये शिकायत दी गई अलका जी को, तो क्या वो अस्पताल के डायरेक्टर के पास गई? क्या वो अस्पताल के डायरेक्टर से मिली? क्या उस डॉक्टर से मिलके उस डॉक्टर से पूछा कि ये दवाई बाहर से लेने को क्यों मजबूर किया गया? क्या फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से विधानसभा में राजनीति करने के लिए? टीम रेक तक के लिए बाहर करिए। मंत्री जी ने उत्तर दे दिया, मैंने बिल रख लिए। हाँ इन पे मंत्री जी ने उत्तर दे दिया, इनकी इंक्वायरी करवाएंगे। साढ़े चार साल तक दवाइयां मिल रही थी, आज नहीं मिल रही। सरिता जी, सरिता जी बैठिए प्लीज। सर मैं इस मुद्दे को यहाँ पे उठाना चाहूंगी, जब हमारी सरकार ने ये कानून बनाया था, ये नियम बनाया था कि दिल्ली के 80% लोगों को दिल्ली में दवाइयाँ, दिल्ली सरकार के अस्पताल में दवाइयाँ मुफ्त दी जाएंगी, केवल इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए बाहर के लोगों को अलाउ किया जाएगा, 80% बेड दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होगा, और हमारी सरकार की नियत थी, इसीलिए जीटीबी अस्पताल में यह लागू किया गया था, और वो एक हफ्ता जीटीबी अस्पताल का सबसे सुनहरा अवसर था। तो केवल राजनीति की वजह से कोर्ट में जाके उस मुद्दे पे स्टे ले आया जाता है और बाद में उस पर राजनीति की जाती है कि दवाई नहीं मिली। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस दिन वो दवाई नहीं मिली, क्या हमारी माननीय सदस्य वहां पे डायरेक्टर के पास गई, वहां की डॉक्टर से मिली, या केवल यहाँ पे राजनीति करने के लिए आई और दिखाने के लिए आ गई कि दवाइयां नहीं मिली? इस चीज की भी जांच होनी चाहिए। अभी भाई साढ़े चार साल तक दवाइयां मिल रही थी, आज दवाइयां नहीं मिल रही।